राजस्थान के लोक जगत में जब भी लोक गायकी या लोक संस्कृति का विवरण होता है तो उसमें गणरत्न लोक गायक सुप्रसिद्ध नरेंद्र सिंह नेगी का जिक्र जरूर होगा। उन्होंने उत्तराखंड की संगीत विरासत को आज जिस मुकाम तक पहुंचाया है वह किसी से छुपा नहीं है। रेस कोर्स स्थित गुरु नानक पब्लिक महिला इंटर कॉलेज ग्राउंड द मलंग मेले में शामिल होने के लिए नेगी मंच पर पहुंचे, जहां उन्होंने ठंडो रे ठंडो, डांडू का फूल, जय बद्री केदार समेत कई गाने गाए। उन्होंने अपने इन गानों की शुरुआत की तो लोग देखते ही रह गए। उन्होंने ऐसा तड़का लगाया कि श्रोता देर रात तक झूमते नजर आए। उत्तराखंड संगीत के श्रोताओं को अपनी जादुई आवाज से कायल कर देने वाले लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी ने रविवार रात को यादगार बना दिया। द मलंगिया आर्ट्स के द्वारा आयोजित 11 दिवसीय प्रदर्शनी में गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी के प्रोग्राम को लेकर रविवार की रात मेले में खास भीड़ उमड़ी। आयोजन द मलंगिया आर्ट्स ने आयोजित किया है और मेला लगा हुआ है। इसमें क्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट्स भी हैं और भी बहुत सारे लोग अपना उत्पाद इस मेले में रखे हुए हैं और शाम को ये सांस्कृतिक कार्यक्रम भी चल रहे हैं। आज मेरा भी इसमें कार्यक्रम था, सहभागिता थी, तो पब्लिक बहुत ध्यान से हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देख रही है, सुन रही है और आनंद उठा रही है। तो ये मेले तो बहुत सभी जगह, पहाड़ों में क्या, मैदानों में भी, सभी जगह मेलों का बड़ा महत्व है। मेले मतलब मेल मिलाप, आपस में जो मेल मिलाप होता है वो मेलों के ही कारण होता है, नहीं तो लोग अपनी ज़िंदगी से इतने व्यस्त हो गए हैं, समय निकालना मुश्किल है सब मनोरंजन के लिए और आपका हंसने के लिए। तो ये मेलों का ही बदौलत है कि आदमी फिर उसके बाद फिर रिफ्रेश होके फिर अपने काम पे लगता है, फिर मेलों से करना। तो ये तो अच्छी परंपरा है, ये तो सदियों से चली आ रही। हाँ ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका मिले, स्थानीय लोगों को ये भी होना चाहिए। और क्योंकि यहाँ पे देहरादून जैसी जगह में यहाँ पे सभी केवल उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों से ही नहीं है, और भी लोग हैं यहाँ पे, तो उनका भी ध्यान रखते हैं आयोजक और उनके हिसाब से भी कार्यक्रम रखते हैं, तो ये भी अच्छी बात है। लेकिन मैक्सिमम जो है अगर स्थानीय कलाकारों को मौका मिले तो अच्छी बात है। साथ ही गायिका अनुराधा के गीतों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। दर्शक मंच के पास आकर थिरकने लगे। द मलंग मेले के 12वें दिन शहरवासियों ने आयोजनों का जमकर लुत्फ उठाया। इस दौरान मैदान में लगे विभिन्न स्टॉल्स पर दिन भर शहरवासियों ने खरीदारी करने के साथ स्वादिष्ट व्यंजनों का भी लुत्फ उठाया। पहले तो मैं द मलंग के जितने भी कार्यकर्ता हैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि मैंने काफ़ी चर्चा सुनी थी और देखा मैंने तो बहुत अच्छा लगा, और इस तरीके के कार्यक्रम हमारे जो संस्कृति है उसको बढ़ावा देने के लिए बहुत ज़रूरी है। और अब लोग उन बन की गढ़वाली में क्यों नहीं बोल रहे आप? हाँ तो बढ़िया कार्यक्रम आयोजित हुयूच और इस इन्हीं कार्यक्रम होना चाहिए था, तो सरकार से भी और सबसे दरख्वास्त है कि इस तरीके के कार्यक्रम होते रहने चाहिए ताकि जो नई जनरेशन है उनको चाहे संस्कृति, हम लोग जैसे मंचों में आप लोग देख रहे हैं कि एक के बाद एक गाने आ रहे हैं, उनमें अलग अलग तरीके के पहनावे हो रहे हैं, तो उसमें क्या वो पहनावों से पता चलता है कि हमारे पहले किस तरीके के लोग पहनावा चलता था हमारे यहाँ। तो बच्चों को देख लिया आजकल, जैसे कि मुझे लगता है कि मैंने एक हिंदी सीरियल देखा तो उसमें वो लोगों ने गोलाबंद पहना हुआ, तो वो हमारे ही कल्चर को देख देख के वो सब इंस्पायर होते हैं। तो अच्छा है कि हमारे जो गहने हैं प्रचार में आ रहे हैं हम लोगों के, उससे सभी लोगों को मुझे लगता है कि सभी लोगों को हर चीज़ से, संस्कृति से लेकर जो कार्य जो काम करने वाले लोग हैं सबको एक साधन मिलेगा। संवाद 365 के लिए दिनेश कुमार के साथ प्रदीप्ता रमोला की रिपोर्ट।